सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। गुरदासपुर लोकसभा उपचुनावों में कांग्रेस की रिकॉर्ड तोड़ जीत से आज जहां पूरे भारत देश में जश्न का माहौल है, वहीं इस बड़ी जीत की खुशी में राजपुरा में भी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं सहित वर्करों में काफी उत्साह देखने को मिला। इसी जीत की खुशी में हल्का राजपुरा के विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज के सपुत्र निर्भय सिंह मिल्टी, ब्लॉक कांग्रेस प्रधान शहरी श्री नरेंद्र शास्त्री व ब्लॉक कांग्रेस प्रधान देहाती सरदार बलदेव सिंह गद्दो माजरा की प्रधानगी में राजपुरा के सत्य प्रभाकर चौक में आतिशबाजी कर लड्डू बांटे गए। इस मौके पर निर्भय सिंह मिल्टी व ब्लॉक कांग्रेस प्रधान श्री नरेंद्र शास्त्री ने पत्रकारों के साथ बात करते हुए कहा कि ये जी जीत हुई है ये पहले यकीन नहीं सी जीत क्योंकि जो पिछले चोणों ने विधानसभा के लोगों ने बड़ा वाला जो है विश्वास जाहिर किया कैप्टन अमरिंदर सिंह और मैं समझता कि जी ये इलेक्शन हुई है इन्होंने अमरिंदर सिंह जी की कैप्टन साहब जी की लीडरशिप से मोहर लाई लाई है नाल इन्होंने एक सुनेह दिता पूरे हिंदुस्तान कि अब जो हिंदुस्तान के मध्यम वर्ग है क्योंकि वह कुचलिया जा चुके चंगी तरीके दे नाल बीजेपी सरकार ने अजे अजे काम किए हैं कि अब जो मध्यम वर्ग हैगा बहुत औखा महसूस कर रहा अपने आप और मैं समझदा कि यह जरा रिजल्ट है एक संदेश है पूरे हिंदुस्तान के वोटर वास्ते कि जिते जिते भी इलेक्शन होनी है उत्थे यह जो नतीजे आने की संभावना हैगी है पूरी और सन 2019 में जो लोकसभा की चोणां होणगियां और साढ़े श्रीमती सोनिया गांधी श्री राहुल गांधी और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की अगवाई के पंजाब फिर एड्डी वड्डी जी जीत प्राप्त होगी और निश्चित रूप में केंद्र में जी है कांग्रेस सरकार बनेगी समुचे पंजाब दे विच कल्ले पंजाब दी नहीं समुचे हिंदुस्तान दे विच कांग्रेस पार्टी के वर्कर दे विच बहुत ही उमंग ते उत्साह जो इस लोकसभा जिमनी चोण के 2,00,000 वोट की लीड से साढ़े माननीय प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की अगवाई दे जो एड्डी वड्डी जित प्राप्त करके आए हैं जाखड़ साहब और एक नींह पत्थर जो कि अज जाखड़ साहब का भी बयान आया और समुची कांग्रेस लीडरशिप का भी बयान आया भी जिहड़ी सरकार ने जिहड़ियां हिंदुस्तान के लोगों के नाल वधीकियां कीतियां उन्हां दे मूंह दे उत्ते चपेट जो हिंदुस्तान के व्यापारी नाल धोखा किया गया जो नौजवान पीढ़ी नाल धोखा किया गया हर वर्ग नाल भावें किसान वर्ग सी जो इन्हां दीआं माड़ियां नीतियां दे नाल अज कोई सुसाइड कर रहा है और व्यापारियों के इन्हां दा सारा बहुत ज़्यादा मोराल डाउन नौजवान वर्ग दर दर भटकन नूं मजबूर हो रहा इकोनमी का बहुत माड़ा हाल है और अज पंजाब ने यह मोर हिक ते लाई है उन्होंने और मैं ये मानदा ये 2019 की जिहड़ी लोकसभा की इलैक्शन आ रही है साढ़े मानयोग होने वाले प्रधान जो कि मैं पूर्ण उम्मीद है जो समुचे हिंदुस्तान के एक आवाज़ उठ खड़ी है कि मानयोग राहुल गांधी जी ने असी ऑल इंडिया का प्रधान बना जा रहे हैं उन्होंने अगवाई दे 2019 कांग्रेस 6 महीने होया हजे बने उन्होंने वालों जीतियां हुई नीतियां और जोड़ा हौसला जो पंजाब के लोगों के भावें किसान वर्ग आ भावें व्यापारी वर्ग है और हर वर्ग के एक हौसला आया होया भी सानू कांग्रेस की सरकार साडा कुछ ना कुछ सवारेगी और जो ये पॉजिटिव जोड़ा एटीट्यूड है जोड़ा कांग्रेस की सरकार ने दिता वो बदौलत लोगों ने यह फतवा दिता और मैं मानयोग राहुल गांधी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करदा जिन्होंने साढ़े बहुत ही सत्कारयोग जुझारू लीडर उतों कांग्रेस पार्टी दी कमांड दिती गुरदासपुर तो और मैनू पूर्ण उम्मीद है जिदा साढ़े इतने CLP के लीडर भी रहे हैं जाखड़ साहब और इतने भी विरोधियों की जबान में वो ताला ला दिया करते सी कदे बादलों को उन्होंने खंगन नहीं दिता इस तरीके नरेंद्र मोदी आने वाले दिनों दे विच तुसी देखोगे लोकसभा दे विच जे उन्होंने पसीने ना छड़ा दिते तो उन्होंने भी पंजाबी ना जाने और सानू अपने लीडर से पूरा मान है तुम यू वेट एंड वॉच और 2019 का फतवा जोड़ा अज लिखा गया मैं सारे लख लख बधाई दिना कल कल वर्कर और आस से उम्मीद करता भी आप जिस तरीके विधानसभा की इलैक्शन बहुत सोहने तरीके जीती गुरदासपुर की जिमनी चोन एडे भारी मतों के नाल आप जीती तकड़े होकर एक दूजे का हाथ फड़ के आने वाली लोकसभा भारी मतों के नाल इस देश में ये जिहड़े माड़े अंसर जिहड़े माड़े तत्व जिहड़े ठग उत्ते आके बैठ गए ने इन्हां तों निजात दुआवांगे। राजपुरा से कैमरामैन ललित कुमार के साथ मीडिया पर्सन दिनेश सचदेवा न्यूज 89।
सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।